बचे हुए रोटी से पिज्जा, जैसे आपके घर में रोटी बच जाता है तो उसमें कुछ अलग सा बना के बच्चों को कैसे अट्रैक्टिव करना है खाने के लिए, वो मैं आज दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए हमको जरूरत है ऐसे बचा हुआ रोटी 3-4, कुछ पत्ता गोभी के कटा हुआ पीसेस, प्याज, गाजर, हरी मिर्च और लहसुन का थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पीस, स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा मोजरेला चीज, या फिर आप इससे इसको स्किप करके मेयोनीज भी ले सकते हैं या फिर दही भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये सोया सॉस, टमाटर सॉस, विनेगर और नमक। चलो आज हम इसको बना के देखते हैं। अभी हम सब्जी को थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस टॉस करना है। इसमें कुछ नमक नहीं डालना, बस ऐसे ही टॉस करके थोड़ा सा हाई फ्लेम में एक या डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करना है। लगभग 1 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें मतलब होने वाला है तो हम लास्ट में थोड़ा सा कॉर्न भी डाल देंगे। अभी हमारा ये मिक्स लगभग हो गया है। अभी हम इसको बंद करके थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और सोया सॉस, टमाटर सॉस। अभी इसमें हम थोड़ा सा मिर्च और नमक डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम एक तवा लेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल या फिर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल लेके दोनों तरफ थोड़ा सा तेल देके सेक लेंगे, बस हाफ मिनट के लिए। सेकने के बाद हाफ पार्ट में सिम करके हाफ पार्ट में जो हमारा ये मसाला था उसको डालेंगे। थोड़ा सा चीज़,
डाल के इसको ऐसे हाफ करके बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक ढक्कन लगा देंगे। हाफ मिनट के लिए ऐसे रख के ढक्कन लगा देंगे, फिर हाफ मिनट के बाद उसको निकाल के पलटा देंगे। और हाफ मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। बस स्लो फ्लेम में उसको हाफ मिनट के लिए रखना है। लगभग हाफ मिनट हो चुका है, अभी हम देख लेंगे। हमारा रोटी पिज्जा एकदम बराबर हो गया है, ये यहाँ पर गोल्डन हो गया है तो हमारा बराबर हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह और एक को भी हम रख लेंगे। इसी तरह हम ऐसे बनाएंगे और बनने के बाद बच्चों को सर्व करेंगे। ये भी उसी तरह और एक मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर रेड मिर्च भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए रख लेंगे। अभी ये भी हमारा बन गया है। अभी हमारा रोटी पिज्जा रेडी हो गया है। देखने में भी इंटरेस्टिंग है और खाने में तो आगे पता चलेगा। अभी रेडी हो गया। ये इसे अंदर ऐसे मसाला भरा हुआ है। खा के आप लोग भी खुद बनाओ, टेस्ट करो और सब्सक्राइब करो।